Assalamu alaikum, welcome to my new vlog. I hope you all are doing good. तो गाइज आज हम सब बच्चों ने डिसाइड किया लेट नाइट कि आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे. तो आज का व्लॉग इसी पे है. गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए गाजर, दूध, शुगर, घी, सम स्वीट्स एंड सम ड्राई फ्रूट्स. सबसे पहले हमें गाजर को साफ़ करना है, अच्छे से साफ़ करना है क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, प्रिकॉशन ज़्यादा लेनी पड़ती है. सो गाइज वी हैव क्लीन्ड ऑल द कैरेट्स. अब हमने श्रेडर की मदद से जो गाजर है उनको श्रेड करना है, अच्छे से करना है. इसके हमें थिन स्लाइसेस बनानी है, बहुत ही थिन, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ. गाइज इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है बट वी हैव टू बी पेशेंट. इतने सारे गाजर को श्रेड करते करते लिटरली मेरे जो हाथ है दोनों हाथ वो दुख रहे हैं. लिटरली आप देख सकते हैं मेरे हाथ कैसे दिख रहे हैं अभी. सारे कैरेट जो है अच्छी तरह से श्रेड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से श्रेड हो गए ये सब. अब हमें गैस जला के उस पर फ्राइंग पैन रखनी है एंड कुछ थोड़ा सा दूध इसमें ऐड करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दूध इसमें ऐड करना है. आप देख सकते हैं मैं कितना दूध ले रही हूँ, इसमें बिल्कुल इतना ही दूध लेना है जितना मैं ले रही हूँ. अब इस दूध में हमें क्रश करके बर्फ़ी डालनी है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करके हमें इसमें डालनी है बर्फ़ी. दो या दो से चार पीसेस आप ले सकते हैं बर्फ़ी की, या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप कितना मीठा लेते हैं आप उतना ले सकते हैं. बट मैं यहाँ 6 पीसेस ले रही हूँ बिकॉज पर्सनली मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है. दैट्स वाई मैं अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें 2 पीसेस ऐड कर रही हूँ और मैं 6 पीसेस ले रही हूँ इसमें. अब हमें दूध और बर्फ़ी को अच्छे से मिक्स करना है लो फ्लेम पे. फ्लेम का ख़ास ध्यान रखना, हमें लो फ्लेम पे इसको मिक्स करना है, एक मिक्सचर बनाना है हमें. This could be good for me. Lately I was feeling like... हम थोड़ा दूध और डालते हैं इसमें क्योंकि मैंने स्वीट्स ज़्यादा डाली है, दैट्स वाई थोड़ा दूध मैंने ऐड किया अब. ओके गाइज दिस इज़ द फाइनल मिक्सचर. बर्फ़ी एंड दूध का इतना मोटा मिक्सचर हमें चाहिए. आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने कितना मोटा मिक्सचर बनाया है, आपने भी इतना ही बनाना है. अब हमें गैस जला के उस पर एक बड़ा बर्तन रखना है. बर्तन आप गाजर की क्वांटिटी के हिसाब से रख सकते हैं. अब जो श्रेड किए हुए कैरेट्स थे वो हमें इसमें ऐड करने हैं. हमने हाई फ्लेम पे इसको रखना है एंड कंटिन्यूसली स्टायर करते रहना है तब तक जब तक इसमें जो वाटर है वो सूख ना जाए. गाइज आप देख रहे हैं ऐसे इसका पानी जो है वो निकल रहा है और इसी तरह ये जो है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा. आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह जो है सूख गया है. अब हमें इसमें घी के 2 बड़े स्पून ऐड करने हैं और हमें घी और गाजर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है. घी जो है अच्छी तरह से इसमें अब मिक्स हो गया है और इसका जो टेक्सचर है वो चेंज होने लगा है.
इट्स टाइम टू ऐड शुगर। मैं यहाँ 10 टेबल स्पून शुगर के ले रही हूँ। आप इसे ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं, ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड है कि आप मीठा ज़्यादा खाते हैं या कम। अब हमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। जब तक इसमें शुगर अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता एंड ये थोड़ा ड्राई नहीं होता, तब तक हम जाते हैं उमर के पास और सुनते हैं एक गाना। व्हाट्स अप हनी भाई, एक गाना हो जाए। लग जा गले कि फिर ये हसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर ये हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। उमर ने बहुत ही अच्छा गाना गाया। इट्स टाइम टू गेट बैक टू आवर रेसिपी। तो ये कम्प्लीटली जो है सूख गया है। अब हमने इसमें ऐड करना है दूध, और इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है। दूध हमें अच्छी क्वांटिटी में इसमें डालना है। इस बात का ख्याल रखना है कि दूध कम नहीं होना चाहिए। अब इसको अच्छे से स्टायर करना है, और स्टार्टिंग में जो हमने दूध और बर्फी का मिक्सचर बनाया है वो अब हमने इसमें ऐड करना है। अब हमें इसको हाई फ्लेम पे कंटिन्यूअसली स्टायर करते रहना है। स्टायर हमें तब तक करना है जब तक ये कम्प्लीटली इसमें एब्जॉर्ब ना हो। अब हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। आप कम भी डाल सकते हैं, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। फिर से हमें इसको मिक्स करना है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, बट स्टिल इट्स ऑन हाई फ्लेम और मैं कंटिन्यूसली इसको स्टायर कर रही हूँ। गाइज, गाजर का हलवा इज रेडी टू सर्व नाउ। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस एंड द क्रीमी टेक्सचर। अब हम इसको एक सर्विंग बॉल में ट्रांसफर करते हैं। गार्निशिंग के लिए हम वॉलनट्स ऐड करते हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। गाजर का हलवा इज रेडी नाउ। आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय एंड टेक केयर।